दिन के बाद मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट किया है। बहुत दिन से मैं बिल्कुल भी वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल रही थी, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस तो डाल रही थी, लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं ब्लॉग डाला करूँगी और देखती हूँ कि ये कितना हो पाता है। आज जो भी मैं करूँगी वो सब आपको दिखाऊँगी, तो आप मेरे साथ बने रहना। और काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन से बहुत कुछ परचेज़ किया है, वो भी आ रहे हैं। एंड आज 2 बजे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, सो कुछ आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, तो सभी कुछ सब कुछ मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि आज क्या क्या होता है मेरी डे टू डे रूटीन में। सो चलिए चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था। तो मैंने बनाया था मूंग दाल का चीला, ये ग्रीन वाली जो मूंग होती है ना, उसका मैंने चीला बनाया था और उसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था, सबको दिया था। एंड लंच में मैं बना रही थी भिंडी की सूखी सब्ज़ी, एंड उसके साथ फिर मैंने ग्रीन मूंग दाल बनाया था। ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होता है, इसलिए, और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी पसंद करते हैं, मैं भी काफ़ी पसंद करती हूँ, इसलिए बनाती रहती हूँ। एंड उसके बाद फिर दोपहर में 12 बजे मैंने ये पपाया काटा था, एंड इसको खाने के साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही थी एंड सोच रही थी कि मुझे कौन कौन सा कंटेंट बनाना है, कब डालना है, क्योंकि पहले से जब प्लानिंग ना हो ना तो कुछ काम ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ शूट करना होता है कंटेंट, क्या क्या हमें शूट करना है एक वीक में, वो सारा प्लान करके चलना होता है। तो वही मैं कर रही थी, और इस दौरान मेरा बेटा है 5 साल का है, तो वो स्कूल गया था, तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है वो सब करना। तो मैं यही टाइम, वो टाइम होता है जब मैं सोचती हूँ कि क्या कंटेंट बनाना है और वीडियोस कितने डालने हैं, और उसके बाद फिर मैं राइस रेडी करती हूँ। एंड उसके बाद फिर जब रियांश आता है, मेरा बेटा, तो उसके बाद फिर थोड़ी बहुत शैतानियाँ उसकी चलती रहती हैं, और रेडी हो करके उसके बाद फिर मैं उसके लिए लंच रेडी कर ही चुकी होती हूँ, एंड फिर सर्व करने का टाइम होता है, तब तक उसकी शैतानियाँ चलती रहती हैं। एंड ये जो आप ऑक्टोपस देख रहे हो, उसका वो हमेशा ना सैड फेस बनाता है और मैं हैप्पी फेस बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं जब खाना लेके उसके लिए आई ना, तो वो वही कह रहा था कि मम्मा मैं सैड हूँ, एंड सैड फेस बना रहा था और मैं हैप्पी फेस बना रही थी, फिर से वो सैड फेस बना रहा था। तो इस तरह से ना माँ बेटे की वो चलती रहती है, तो बहुत ही मज़ा आता है। एंड उसके बाद फिर मैं उसे खेल खेल में उसका खाना फिनिश करवाती हूँ, एंड देन उसके वो सुला देती हूँ। एंड सुलाने के बाद फिर मैं आपको ये सारी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी, जो कि मैंने कुछ तो मीशो से खरीदी है और कुछ मैंने अमेज़ॉन से खरीदी है, तो वो सभी दिखाऊंगी। तो यही वो टाइम होता है जब मेरे बेटे के साथ मुझे काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, हम दोनों की कोऑर्डिनेशन में ये बहुत वर्क करता है, इसलिए मुझे ये टाइम अपने बेटे के साथ स्पेंड करना बहुत ही पसंद है। एंड थोड़ी देर के बाद मैं भी अपना लंच लेकर के अपने बेटे के साथ ही करने लगी थी, क्योंकि दोनों ही को पसंद है एक दूसरे की कंपनी, सो अच्छा लगता है दोनों साथ में ही लंच फिनिश करते हैं। एंड अब मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने मीशो से परचेस किया था। ये मैंने मीशो से बुद्धा स्टैचू ऑर्डर किया था, जो कि मुझे एग्जैक्ट प्राइस अभी तो याद नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीन पे आपको दे दूँगी। एंड ये काफ़ी अच्छा है सोप पीस के लिए, काफ़ी अच्छा है। तो मैंने एक फ्लोर लैम्प मंगवाया था, उसके साथ ही मैंने इसको रखने के लिए, पेयर अप करने के लिए मंगवाया था। एंड ये जो आप अनबॉक्सिंग देख रहे हो, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, 4 सेट मंगवाया था कर्टन का, एंड बेज कलर में मैंने मंगवाया था, और क्या सोच कर मंगवाया था और क्या निकला, मैंने इसको बेज कलर में सोचा था और काफ़ी मैंने थिक मटेरियल सोचा था, लेकिन ये निकला एकदम से
नेट का और बहुत ही पतला सा शीर मटेरियल था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसको डेफिनेटली रिटर्न करने वाली हूँ। लेकिन मैंने आपको खोल के दिखा दिया क्योंकि मैं सब कुछ आपसे शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये भी शेयर कर दिया आप लोगों से। एंड नेक्स्ट जो मेरा अनबॉक्सिंग है वो है फ्लोर लैम्प, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि बुद्धा मैंने ऑर्डर किया था इसी फ्लोर लैम्प में रखने के लिए, जो कि मीशो से परचेज मैंने किया है इसे भी। एंड ये डिफेक्टिव एक्चुअली निकल गया था, तो मुझे ये रिटर्न करना है और मैंने रखा हुआ है अभी रिटर्न करने के लिए। सो अगर एक्सचेंज में मुझे कुछ अच्छा मिला देन ठीक है, अदरवाइज़ इसका कलर भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। इसका कलर अगर वुडन होता तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता, लाइट वुडन कलर में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता, लेकिन इसका कलर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इसको रिटर्न करूँगी। एंड जो फोर्थ परचेज मेरा है ये मीशो का कंटेनर है, ये मैंने 12 के पीस में मंगवाया है। एंड क्या बताऊँ, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको इस तरह की कंटेनर की सर्च कर रहे हो, ज़रूरत है, तो आप इसे ज़रूर ख़रीद सकते हो। बहुत ही अच्छा कंटेनर है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो 100% रिकमेंडेड। तो अभी शाम के 5 बजे हैं और ये मेरे चाय पीने का टाइम है, क्योंकि हस्बैंड अभी आए नहीं हैं तो मैं अकेले ही चाय बना करके पी रही हूँ और कंपनी देने के लिए कोई है नहीं। सो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर एक दूसरे से बातें करते हैं, सो क्या करूँ, अकेले ही हूँ। एंड हाँ बेटा है बट चाय तो नहीं पी सकता ना और चाय पीने के लिए कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली मेरे लिए। सो मैं अभी जनरली चाय अकेले ही पीती हूँ क्योंकि घर में कोई होता नहीं है। सो मैं नॉर्मली अदरक एंड इलायची वाली प्रेफर करती हूँ, बट अभी इलायची अवेलेबल थी तो इलायची वाली ही चाय चलेगी। सो अच्छी चाय बनी थी, काफ़ी अच्छी चाय बनी थी, और मेरे लिए चाय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं अगर मैं चाय ना पीऊँ तो एक रिफ़्रेशमेंट फील नहीं होता और सर में दर्द होता है वो अलग, क्योंकि आप इसे एडिक्शन भी कह सकते हो बट है मेरे साथ। सो अभी मैं स्कूल के बारे में अपने बेटे से बात कर रही थी कि क्या क्या हुआ, लेकिन वो तो एंकरिंग करने लगा, हाय गाइस मैं रियांश एंड यही सब। मैं उससे पूछ रही थी कि स्कूल में क्या क्या हुआ एंड किसने क्या क्या बोला, किसने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए गए, यही सब मेरी बातें अभी शाम के टाइम पे उसके साथ जनरली यही सब होती है। और अब मेरे हस्बैंड के भी आने का टाइम हो रहा था, सो मैंने चाय फिनिश किया, उसके जस्ट बाद ही मेरे हस्बैंड आ चुके थे। एंड उसके बाद फिर मैंने उनके लिए चूरा फ्राई किया एंड उसी में मैंने चना छोले डाल करके और इस तरह से चूड़े को फ्राई किया था। ये थे मेरी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो।